भारतीय नौसेना की ताकत को तो पूरी दुनिया मानती ही है, लेकिन फिर भी भारतीय नौसेना लगातार आधुनिक हथियारों के साथ खुद को और अधिक ताकतवर बनाने में लगी हुई है। हालांकि नौसेना समुद्र की सतह पर अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करती है। लेकिन युद्ध जैसे हालातों में समंदर के भीतर भी खुद को मजबूत स्थिति में रखना काफी अहम होता है और इसके लिए भारतीय नौसेना लगातार पनडुब्बियों का निर्माण कर रही है। तो आज हम भारतीय नौसेना की एक ऐसी ही पनडुब्बी के बारे में आपको बताएंगे जो इतनी शांत है कि दुश्मन को इसकी आहट भी नहीं मिल पाती। ये पनडुब्बी है INS करंज, जो भारतीय नौसेना में शामिल स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। इसके नौसेना में शामिल होने के साथ ही भारतीय नौसेना की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। इसे मुंबई केमस गांव डॉक पर लॉन्च किया गया था। आइए आपको इसकी हर एक खूबी से परिचित कराते हैं। करंज को पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। ये पनडुब्बी INS कलवरी और खंडेरी के बाद तीसरे नंबर पर नौसेना का हिस्सा बनी और समंदर में इसकी मौजूदगी चीन को हिंद महासागर और पाकिस्तान को अरब महासागर में पटकनी देने में अहम भूमिका अदा करेगी। अपने आधुनिक फीचर्स के कारण ये दुश्मनों को ढूंढकर उस पर सटीक लक्ष्य साध सकती है। पनडुब्बी INS करंज 67.5 मीटर लंबी, 12.3 मीटर ऊंची और 1565 टन वजनी है। करंज टॉरपीडो और एंटी शिप मिसाइलों से हमले करने में भी सक्षम है। जंग के हालात में INS करंज पनडुब्बी हर तरह की अड़चनों से सुरक्षित और बड़ी आसानी से दुश्मनों को चकमा देकर बाहर निकल सकती है। इस पनडुब्बी का इस्तेमाल हर तरह के वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस के काम में भी किया जा सकता है। INS करंज ऐसी पनडुब्बी है जो किसी भी रडार के पकड़ में आए बिना आसानी से अपने निशाने को नेस्तनाबूद कर सकती है। खुद में ही ऑक्सीजन बनाने की क्षमता रखने वाली यह पनडुब्बी लंबे समय तक समंदर के अंदर रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।